इधर लोहरदगा में लोकसभा चुनाव अंतर्गत स्वीप गतिविधियां नियमित रूप से स्वीप कोषांग की ओर से आयोजित की जा रही है। विभिन्न विभागों के समन्वय से निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वीप अंतर्गत बीएस कॉलेज में अमित म्यूजिकल बैंड द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर डीडीसी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस बार हम लोग 90% से ऊपर लोहरदगा जिला का मतदान प्रतिशत ले जाएंगे। अपनी पूर्ण आस्था लोकतांत्रिक परंपराओं की। बीएस कॉलेज लोहरदगा के अंदर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसके अंदर हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि अभी कुछ समय के अंदर आचार संहिता लागू होने वाली है लोकसभा चुनाव के लिए, और कैसे ये जो यंग वोटर्स हैं ये लोग कैसे अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और कैसे एक बात का संचार हमारे समाज में करेंगे कि किन आधारभूत बिंदुओं पर हमें अपना मतदान करना है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ग्रामीण विकास है, रोड्स है, तो ये बुनियादी चीज़ों के ऊपर हमें वोट करना चाहिए और धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा इत्यादि पे वोट नहीं करना चाहिए, इसकी प्रतिज्ञा भी हमने दिलाई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर लोकसभा की जनता जो है एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करके उनको लोकसभा में मिल जाए। वोट प्रतिशत हम लोग जो टारगेट करके चल रहे हैं और ये प्रोग्राम की थीम भी वही है अब की बार 90% के पार, जिसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि 90% से ज़्यादा वोटर्स अपना मतदान का प्रयोग करें, और इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी कोने कोने तक ये खबर पहुँचे और लोग ये समझें कि एक लोकतंत्र की सबसे मजबूत जो स्तंभ है वो हमारे देश के नागरिक हैं, अपना मतदान